गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में होने वाले विधानसभा को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में दीदी अकेले पड़ गई हैं। कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दीदी की गाड़ी भी कांग्रेस मुक्त दिशा में जारी है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर दिया है, आंदोलन बिखरने की कगार पर है। वहीं तांडव वेब सीरीज पर मचे सियासी तांडव पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का इतिहास ही हिंदू धर्म के खिलाफ रहा है। सरकार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्री आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे और नए सत्र में दूरस्थ गांवों में शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव रखेंगे ताकि अवैध शराब का व्यापार बंद हो सके। कांग्रेस और वामपंथियों ने कहा है कि वो मिलकर लड़ेंगे, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही कह दिया था ये अलग थलग पड़ जाएंगी, अकेली रह जाएंगी। गाड़ी उसी दिशा में बढ़ रही है। हमारा नेतृत्व दूरदृष्टि वाले हैं। उन्होंने जब 10 साल पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तब लोग हंसी उड़ा रहे थे, पर आप देखो ना उसी दिशा में जा रही है कि नहीं गाड़ी। ये भी कमोबेश वही दिशा है। मैं पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की कहता था कि इसमें उनका हाथ है। अब पहले से चूंकि मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए लगता था कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित, और अब तो उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया। उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये बिखरने के कगार पर है। वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक, उन सब पे और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर है, सैफ अली खान है, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है। इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या। आज बैठक है उस संबंध में 4:30 बजे। मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस वहां दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, उस पर अंकुश लगे। जो डिग्री तय की हुई जरा शराब रहती है ठेकों पर, वो बिचेगी तो कम से कम ये अवैध पर प्रतिबंध भी लगे।